नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही रोहतक हरियाणा से, जहां पर जानकारी मिली कि रोहतक हरियाणा में मंगलवार को एक और बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े ही फायरिंग की घटनाक्रम सामने आ रही है। जानकारी मिली कि घटनाक्रम महम के भिवानी स्टैंड की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घटना एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है, उसमें हेलमेट डाला हुआ है। मृतकों की पहचान निदाना गांव निवासी वजीर और किशनगढ़ गांव का बल्लू नज़रबंद के तौर पर है। जानकारी मिली कि यहां पर दोनों ही यहां पर कोर्ट में पेशी भुगतने आया था। वापस लौट रहे थे तो बस स्टैंड पर बाइक पर आए आरोपियों ने उनके साथ बताया जा रहा है कि फायर किया। इस बीच फिलहाल पुलिस के मुताबिक दोनों ही बताया जा रहा है कि निदाना गांव के एक दशक से अधिक समय में दो गुटों में आपसी रंजिश चली आ रही थी, इसी दौरान मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वजीर की मौके पर सूचना सामने आ रही है, बल्कि बल्लू को बताया जा रहा है कि CSC में दाखिल कराया गया है, प्राथमिक उपचार जारी है। तमाम खबरों के लिए बन रही जय हिंद दोस्तों।